बरेली में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शराब व्यवसायी को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब सराफा व्यवसायी अपने ज्वेलरी शॉप पर बैठे हुए थे। सरेआम हुए इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सराफा कारोबारी की हत्या से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मची हुई है। एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। छानबीन करती हुई पुलिस का यह नज़ारा सुभाष नगर थाना क्षेत्र के गणेश नगर का है, जहां आज देर शाम सराफा कारोबारी कमल किशोर वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कमल किशोर वर्मा जिस वक्त अपने ज्वेलरी शॉप में बैठे हुए थे, उसी दौरान एक बाइक पर सवार हेलमेट पहने दो बदमाश आए और सराफ को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर जब लोग कुछ समझ पाते तब तक दोनों आरोपी फरार हो गए। सराफा व्यवसायी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर दिए। कमल किशोर वर्मा के परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण भाई, क्या हुआ आपके भाई एक गोली मार के? मैं सर अपनी शॉप पे बैठा था सुभाष नगर वाली पे, तभी मेरे पास फोन आता है कि मेरे भाई की किसी ने अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। तो मैं भाग कर गया, तब तक दुकान वो बंद करने ही जा रहे थे, तो फिर मैं उन्हें लेके जिला अस्पताल आया 112 से। अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया। क्या लगता है, रंजिश रही है? नहीं, रंजिश तो हमारी कोई नहीं थी सर, ये लूट। वही घटना की जानकारी होने पर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, एसपी सिटी, एसपी क्राइम, सीओ और कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। एसएसपी का कहना है कि कमल किशोर वर्मा की गोली मारकर हत्या की गई है। उनका कहना है कि परिजनों ने किसी भी तरह की रंजिश से इनकार किया है। वहीं अभी तक लूटपाट की बात भी सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस की टीमें मामले के खुलासे के लिए लगा दी गई है। थाना सुभाष नगर क्षेत्र में गणेश नगर पड़ता है। यहां पे 10:30 बजे डायल 100 पे सूचना आई कि एक व्यक्ति को अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी है। प्राप्त सूचना पे तत्काल डायल 100 की टीम आई और जो मजरूब है उनको हॉस्पिटल ले गई और वहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के पीछे कारणों के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी कोई वैसी उन्होंने पहचाना नहीं है। उनका ये कहना था कि हेलमेट लगाए हुए थे बदमाश। अब पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, अभियोग पंजीकृत करके।